चलो कैसे हो बेटा? बेटा अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो अपना गैसीय स्टेट चैप्टर था बेटा, वो हमने कंप्लीट किया था। क्लियर? आज के लेक्चर में बेटा अपने केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके चलो बेटा बात करते हैं। ध्यान रखना, इस चैप्टर की बात करें तो नॉर्मली इसमें कई सारे बच्चे मिसकॉन्सेप्ट भी होते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में उनको प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन वो तब होता है जब अच्छे से नहीं पढ़ते या फिर पढ़ाया जाता है तो उनको सब खिचड़ी बन जाता है, ओवरलैप हो जाता है। लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना, एक एक चीज अपन को समझ के करनी है और कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है? जहां कंफ्यूजन हो अपनी स्टाइल में ट्रिक के साथ भी अपन याद रखेंगे कैसे करना है क्या करना। क्लियर? चलो बेटा तो बात करते हैं। हेडिंग लिखो बेटा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं बेटा इसे रासायनिक ऊष्मागतिकी व उसमें रसायन, रासायनिक ऊष्मागतिकी व उसमें रसायन, रासायनिक ऊष्मागतिकी व उसमें रसायन, रासायनिक ऊष्मागतिकी व उसमें रसायन। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। चलो हेडिंग लिख ली बेटा। बच्चों देखो बात करें इस चैप्टर की, इस चैप्टर में मेनली होता क्या है, बच्चे के दिमाग में है कि सर थर्मोडायनेमिक्स ऐसा तो कुछ फिजिक्स में भी होता है। बिल्कुल बेटा होता है, फिजिक्स में भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ कॉन्सेप्ट कॉमन जरूर है लेकिन कुछ डिफरेंट भी है बेटा। ओके क्या डिफरेंट है? सबसे पहली बात तो बच्चों देखो, नॉर्मली इस चैप्टर में अपन करते क्या, एनर्जी की जो कई सारी फॉर्म्स होती है उनकी हम स्टडी करते हैं। मैंने क्या कहा, एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स की हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी सबस्टांस होता है तो फिजिक्स में तो अपन क्या कहते हैं कि कोई सबस्टांस होता है उसके अंदर एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, यानी उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कई सारी एनर्जी में डिवाइड किया जाता है। क्लियर? लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बेटा तो क्या कहेंगे, एनर्जी जो होती है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसे कई सारे टाइप से डिवाइड किया गया है, जैसे इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सभी क्या है, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स है बेटा। क्लियर? ठीक है। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, फिजिक्स में मेनली क्या कहा, इसमें मैंने एक वर्क भी बोला बेटा, वर्क यानी कार्य के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो फिजिक्स में जो वर्क होता है बेटा उसको अलग अलग कंडीशंस के लिए अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इतना ज्यादा फिजिक्स की तरह इतना डिटेल से नहीं पढ़ा जाता बेटा इसे। क्लियर? लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा सभी को, चाहे वर्क को भी पढ़ेंगे और एनर्जी की जो कई सारी फॉर्म्स होती है उनको भी पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। बच्चे के दिमाग में सर फिजिक्स में जो हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब बोलते हैं, इनका रीजन हमें ध्यान है, यहाँ हमने जो एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स बोली है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, या फिर वर्क, या फिर एंट्रोपी, या फिर गिव्स फ्री एनर्जी, इनका मीनिंग क्या है, तो बच्चों एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स को अलग अलग नाम है दिया गया है। क्लियर? बात समझ में आ गई। और मेनली बात करें जो आगे हमने लिखा है थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें भी अपन क्या करेंगे, हीट की कई सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, यानी कई सारी हीट की फॉर्म पढ़ेंगे। ये ओनली एंड ओनली केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, फिजिक्स में ये नहीं पढ़ा जाता बेटा। क्लियर? बात समझ में आ गई। तो क्या कहेंगे बेटा इसमें हमें कैसे करना है क्या करना, तो सबसे पहले अपन थर्मोडायनेमिक्स में कहते क्या है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें क्या करेंगे, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स की स्टडी करेंगे। जैसे मैंने अभी कई सारे नाम बोले थे बेटा, इन सब की वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? ठीक है बेटा। एक बच्चों एक बार एम्स में पूछा हुआ क्या कि जो थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होता है वो होता है मैक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, बोथ, ठीक है, किसके लिए अप्लाई होता है? तो ध्यान रखना थर्मोडायनेमिक्स की अगर अपन बात करें, ऊष्मा गति की जो होती है वो क्या होती है, मैक्रो सिस्टम यानी वृहद निकाय, पूरे निकाय यानी बड़े निकाय के लिए लागू
होता है माइक्रो सिस्टम, यानी सूक्ष्म निकाय, छोटे निकाय या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल, अकेले कण के लिए लागू नहीं होता। बच्चा कहे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, देखो इजी वे में समझना, फॉर एग्जाम्पल ये बोतल है, इसके अंदर वाटर है बेटा, ओके। अब मैं बोलूं कि वाटर का टेस्ट ऐसा है, कलर ऐसा है, पीएच इतनी है, जो भी है, तो ये बताओ ये जो प्रॉपर्टी मैं वाटर की बोल रहा हूं, यानी हमने जो स्टडी की है इन वाटर की प्रॉपर्टी की, तो वो क्या होगा? वाटर के एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है, जो कंप्लीट 1 लीटर वाटर है उसके लिए है, ये कंप्लीट वाटर के लिए है। मैंने क्या कहा, समझ में आया? यानी हम जो रिजल्ट बताते हैं थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, वो किसी इंडिविजुअल यानी किसी अकेले पार्टिकल, अकेले कण के लिए अप्लाई नहीं होता, पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा? तो ध्यान रखना क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो क्या कहेंगे, किसी माइक्रो पार्ट माइक्रो सिस्टम या इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं होता बेटा, उसमें क्या करते हैं, मैक्रो सिस्टम के लिए अप्लाई होता है बेटा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है बेटा। और क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में मेनली क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो क्या होती है, यानी थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ पर बेस्ड होती है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम पर आधारित होती है। ओके बच्चा, कैसे ये सब क्या होते हैं, तो वन बाई वन हम इनको भी डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? तो मेनली बात करें बेटा, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या, बेसिक थीम क्या होती है, समझ में आ गया? सबसे पहले तो क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स की स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। क्लियर? ठीक है। एक क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो क्या होती है, मैक्रो सिस्टम वृहद निकाय के लिए लागू होती है, माइक्रो सिस्टम या फिर किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं होती। ओके, और जो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ पर बेस्ड होती है। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो लिखो बेटा। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, लिखो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट The branch of physical chemistry in which we study about different forms of energy, in which we study about different forms of energy and their interconversion, एक हम interconversion यानी आपस में exchange यानी change कैसे होंगे उसकी भी study करेंगे बेटा, तो वो भी add कर सकते हैं। The branch of physical chemistry in which we study about different forms of energy, in which we study about different forms of energy and their interconversion, and their interconversion, and their interconversion called as thermodynamics. The branch of physical chemistry in which we study about different forms of energy and their interconversion called as thermodynamics. Hindi mein likho beta, bhautik rasayan ki vah shakha, bhautik rasayan ki vah shakha, bhautik rasayan ki vah shakha jisme ऊर्जा के विभिन्न रूपों, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों, अलग अलग फॉर्म तथा उनके अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा उनके अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा उनके अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। क्लियर?
नेक्स्ट स्टेटमेंट को बेटा, थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रो सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रो सिस्टम but not applicable for microsystem or individual particle. Hindi mein likho beta ऊष्मा गति की वृहद निकाय के लिए लागू होती है लेकिन सूक्ष्म निकाय या अकेले कण के लिए लागू नहीं होती। उष्मा गति की वृहद निकाय यानी बड़े निकाय वृहद निकाय के लिए लागू होती है लेकिन सूक्ष्म निकाय या अकेले कण के लिए लागू नहीं होती। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गति की के प्रथम कोमा द्वितीय व तृतीय नियम पर आधारित है। ऊष्मा गति की के प्रथम कोमा द्वितीय व तृतीय नियम पर आधारित है। लिख लिया बेटा। चलो ये तो हमने बेसिकली बात की है कि ये जो हमने हेडिंग लिखी है इस चैप्टर की बात करें इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या है बच्चों, क्लियर। अब बात करें बच्चों, देखो वन बाय वन स्टार्टिंग की बात करें, जैसे दो एक लेक्चर का काम इसमें क्या होता है, टिक लगाने वाला होता है कि ये क्या होता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्लियर। जो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा वो अपन स्टार्ट करेंगे बेटा एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स जब अपन स्टार्ट करेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी या फिर हीट के अलग अलग फॉर्म्स, वो सारा क्या न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर का जो काम होता है वो क्या सीधा टिक लगाने वाला होता है, एग्जाम्पल बेस्ड होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, क्लियर। लेकिन डायरेक्टली एग्जाम्पल रट नहीं सकते, उसका मीनिंग आपको ध्यान होना चाहिए। क्यों, हम मान लो दो चार एग्जाम्पल लिखे हैं, जरूरी नहीं वही एग्जाम्पल हो, अगर जो टर्म आपसे बोली है इसका एग्जाम्पल कौन है, तो जिसके बारे में पूछा है अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है तो बेटा एग्जाम्पल चूज करना कोई टिपिकल काम है नहीं है बेटा, आ गया समझ में। तो मीनिंग जरूर ध्यान होना चाहिए कि जिसके बारे में हमें पूछा है उसका मीनिंग क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले बात करें, जैसे बच्चों क्या होगा, इसमें कई सारी टर्म्स आती है, टर्म्स आती है कैसे, सिस्टम आता है, सराउंडिंग आता है, बाउंड्री आती है। सिस्टम मतलब है निकाय या तंत्र, या फिर क्या बाउंड्री, बाउंड्री मतलब क्या परिसीमा, बीच की सीमा, या फिर सराउंडिंग यानी परिवेश यानी वातावरण, ओके। क्या होता है बेटा, कैसे होता है, वन बाय वन बात करते हैं बेटा। हेडिंग लिखो टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के पद, टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में लिखो ऊष्मा गतिकी के पद, कुछ टर्म्स बार बार यूज होती है, टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है बेटा पहली टर्म है सिस्टम, इसे बोलते हैं बेटा हिंदी में निकाय या तंत्र, निकाय या तंत्र, सिस्टम, निकाय या तंत्र।
लिख लिए। देखो बेटा क्या होता है सिस्टम, निकाय या तंत्र, अलग अलग टर्म्स यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा सिस्टम बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे, क्या होता है इनका मीनिंग क्या होता है समझना। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अपना जो एटमोसफियर होता है, एटमोसफियर का मतलब बेटा क्या, इसमें जैसे मान लो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गए, हम है या फिर क्या कोई नॉन लिविंग सबस्टांस, जो भी है, मान लो टेबल है, बेंच है, मेज है, जो भी वॉल है, ये सभी क्या नॉन लिविंग में आ गए, या फिर एटमोसफेरिक गैसेज है, या फिर जो ट्री यानी पेड़ पौधे वगैरह आ गए, ये सभी क्या अपने एटमॉस्फेयर का पार्ट है बेटा, क्लियर। इनको कंप्लीट पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ओके बात समझ में आई ना, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे बच्चों, मैं कुछ भी बताऊं कि ये मान लो ये ऐसा है वो ऐसा है, इसका मतलब मैंने कुछ भी तुम्हें बताया किसी सबस्टांस के बारे में कि ये मार्कर ऐसा है वैसा है, इसका मतलब क्या, मैंने जो आपको बताया कि ये मार्कर ऐसा है, इसका मतलब मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं क्या? नहीं, मैंने इस मार्कर पर फोकस किया है। इसका मतलब मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस पर फोकस करना है, इसकी स्टडी करनी है। मैंने क्या कहा समझ में आया, यानी पूरे यूनिवर्स में, इतना बड़ा यूनिवर्स है तो क्या कहेंगे, पूरे यूनिवर्स में अपन क्या कहते हैं, जिस एक सबस्टांस की स्टडी करते हैं या जिसको थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए यूज करते हैं, काम में लेते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। मैंने क्या कहा बात समझ में आई बेटा, पूरा जो यूनिवर्स होगा यानी सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया, उसमें क्या करेंगे, जिस पर हमें फोकस करना है, जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसका हमें अध्ययन करना है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे बेटा। बात समझ में आ गई, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर कैसे, तो नॉर्मली अपन क्या कहेंगे बेटा, एक जैसे मैं ये लिखूं इसका एग्जांपल, जैसे वाटर इन कंटेनर, वाटर इन ए कंटेनर, समझते जाओ बेटा। मान लो कोई कंटेनर है, इसमें क्या वाटर फिल किया गया बेटा, जैसे मान लो ये बोतल है, इस बोतल में बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, इस बोतल के अंदर जो वाटर है वो क्या कहेंगे, इसका टेस्ट ऐसा है, पीएच ऐसी है, कलर ऐसा है। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम इस वाटर की स्टडी करेंगे। मैंने क्या कहा बात समझ में आई, इसका मतलब मान लो ये पूरा क्लासरूम अपना मान लो हॉल है, इसमें क्या, इसको मैं यूनिवर्स मान रहा हूं, तो हमें पता है बच्चों इस रूम के अंदर ओनली ये वाटर ही है क्या, ओनली बोतल रखी है क्या, नहीं, इसमें और भी कई सारी चीजें बेटा, जैसे मान लो फैन है, लाइट है, बेंचेस है, टेबल है, ठीक है, कंप्यूटर लगा है, ये कैमरा लगा है लाइव क्लासेस के लिए, या फिर स्टूडियो लाइट्स लगी है, जो भी है बेटा सब कुछ है इसमें। लेकिन मैंने क्या कहा, अब मुझे स्टडी किसकी करनी है, ओनली मैंने वाटर बोला है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सिस्टम हो गया, जिसके बारे में मुझे स्टडी करनी है, इस वाटर को मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम बोलूंगा, क्लियर। तो क्या कह सकते हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज यूज एज थर्मोडाइनमिक स्टडी। मैंने क्या कहा, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का वो भाग है जिसको उष्मा गति की अध्ययन के लिए काम में लिया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, निकाय कहते हैं, तंत्र कहते हैं बेटा, क्लियर। बात समझ में आई क्या, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा बेटा, क्या मैंने क्या बोला, वॉटर इन ए कंटेनर, किसी कोई कंटेनर, चाहे बॉटल हो, चाहे कुछ और हो बेटा, कैसा भी पात्र हो, उसके अंदर मान लो वॉटर रखा है, अगर हमें वॉटर की स्टडी करनी है तो वो वॉटर यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम होगा, निकाय होगा, यानी तंत्र होगा बेटा, क्लियर, ठीक है। या फिर अपन बोल दे जैसे ह्यूमन बॉडी, ओके, ह्यूमन बॉडी की अगर अपन बात करें बेटा, तो अपन क्या कहेंगे, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, ठीक है बेटा, मानव शरीर। अगर अपन ह्यूमन बॉडी की स्टडी करें, जैसे मैं बोलूं कि मान लो इसके लीवर में ये प्रॉब्लम है, मान लो इसके किडनी में ये प्रॉब्लम है, या फिर इसके लंग्स में ये प्रॉब्लम, जो भी है बेटा, ये सब हमें कैसे पता चला कि किसी बॉडी की, आप कहोगे सर एनिमल्स की स्टडी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं बेटा, किसी की स्टडी कर सकते हैं, जिसके बारे में स्टडी करना हो, मेरा कहने का मतलब क्या है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे नॉन लिविंग सबस्टांस हो, कोई भी हो, जिस पर हमें फोकस करना है, इसका मतलब है, अब बाकी की जो आसपास की चीजें उससे आपको मतलब है, नहीं है बेटा, आ गया समझ में, जिस पर फोकस करना है उसको बोला जाएगा सिस्टम यानी निकाय और तंत्र। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, लिखो बेटा, लिखो, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, 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 द पार्ट ऑफ यूनिवर्स द पार्ट ऑफ यूनिवर्स जतिन क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, बड़ा हिंट दिया करो, कौन सा थर्ड पॉइंट, मैंने तो कई सारे पॉइंट बोल दिए, मैंने सीक्वेंस थोड़ी ध्यान है मुझे, कौन सा थर्ड पॉइंट, थोड़ा हिंट दिया करो बेटा, कौन सा पॉइंट, दोबारा बोलो, क्या कहा, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स,
विच इज यूज एज थर्मोडाइनमिक स्टडी द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज यूज एज या यूज फॉर थर्मोडाइनमिक स्टडी द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज यूज फॉर थर्मोडाइनमिक स्टडी कॉल्ड एज सिस्टम कॉल्ड एज ए सिस्टम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज यूज एज थर्मोडाइनमिक स्टडी द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज यूज एज थर्मोडाइनमिक स्टडी कॉल्ड एज सिस्टम. ओके, हिंदी में लिखो बेटा, ब्रह्मांड का वह भाग ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मा गति की अध्ययन के रूप में या जिसको ऊष्मा गति की अध्ययन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ब्रह्मांड का वह भाग जिसको ऊष्मा गति की अध्ययन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है निकाय या तंत्र कहलाता है. ब्रह्मांड का वह भाग जिसको ऊष्मा गति की अध्ययन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है निकाय या तंत्र कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल लिखो बेटा, हिंदी में लिख सकते हो, एक पात्र में जल या मानव शरीर. दूसरा एग्जाम्पल, लिख लिए. चलो बेटा, जैसे बच्चे ने कहा तो थर्ड पॉइंट था बेटा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं थी, बस एक पॉइंट बोला है मैंने. तो अभी तो हमने इसको एक्सप्लेन किया कहा बेटा, मैंने कहा जो थर्मोडायनेमिक्स होती है बेटा उस पर क्या कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉ दिए थे बेटा. ठीक है, जैसे मान लो फिर इनको सिक्वेंस से बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इन तीनों को मिलाकर ये क्या होता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं. यानी जो भी हम रिजल्ट इसमें देखते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो क्या थर्मोडायनेमिक्स जो तीनों लॉ होते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनका कंक्लूजन होता है बेटा. हाँ, सबसे जो मेजर रोल होता है बेटा वो क्या होता है, फर्स्ट लॉ का ही होता है बेटा, जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अभी तक तो हमने इसको डिस्कस किया ही नहीं है, ये तो बेसिक थीम हमने पढ़ी. हाँ बेटा, आवाज सही आ रही है, आवाज आ रही है. चलो, तो मैंने क्या कहा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स की अगर अपन बात करें तो जो थर्ड पॉइंट की बात करें थे अपन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं है. ये तो हमने बेसिक थीम लिखी है क्या, कि थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ क्या होता है, तीनों को कंक्लूजन जो होता है बेटा उनको यूज करते हुए थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं बेटा. ओके, सबसे जो मेजर रोल होगा वो तो क्या होता है, फर्स्ट लॉ का ही होता है, क्योंकि वो एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है बेटा. ओके, बाकी इनको सिक्वेंस अपन वन बाय वन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो. क्लियर, बात समझ में आई क्या? चलो बेटा, तो ये अपन ने क्या कहा, यानी अपन थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हम स्टडी करते हैं, यानी जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोला जाता है, निकाय या तंत्र बोला जाता है. और भी हम ऐसे कई एग्जांपल लिख के दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो हम जरूर लिखेंगे, जो एग्जाम में पूछे हुए भी हैं और जो जनरली हमें ध्यान भी रखने होते हैं. कैसे, कोई कंटेनर में वाटर रखा है चाहे, या फिर किसी ह्यूमन बॉडी की अपन बात करें, वो सभी क्या होते हैं, सिस्टम के ही टाइप होते हैं बेटा. समझ में आ गया? क्लियर. चलो, नंबर टू लिखो बेटा, सराउंडिंग. हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे परिवेश या परिपार्श्व.
परिवेश या परिपार्श्व, सराउंडिंग हिंदी में बोलते हैं इसे परिवेश या परिपार्श्व, परिवेश या परिपार्श्व, चलो बेटा। तो क्या कहा बेटा, देखो सराउंडिंग क्या होता है बेटा, परिवेश या परिपार्श्व, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों तो देखो कैसे कह सकते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब ही क्या होता है बेटा, चारों तरफ। क्या कहा, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। यानी अपन ने क्या कहा, जैसे इस रूम की अपन ने बात की थी बेटा, तो इस रूम में तो हमें पता कई सारी चीजें रखी गई है बेटा। अपन ने फोकस किया था क्या, बोतल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर फिल है, उसकी अपन ने बात की। अगर हमने उसको सिस्टम बोला तो हमें पता इसके अलावा बाकी और भी तो कई सारी चीजें हैं। अरे बात समझ आ रही है ना, इस वॉटर को जैसे मान लो वॉटर फील किया गया, उसको हमने सिस्टम बोला, तो इस वॉटर के अलावा बाकी तो और भी तो कई सारी चीजें हैं, तो क्या करेंगे, वो जो बाकी सारी चीजें बच गई सिस्टम के अलावा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सराउंडिंग बोलते हैं, परिवेश बोलते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है क्या, मैंने क्या कहा, सबको मिला के क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। इसमें हम मान लो एक कोई फिक्स कर दे जिसकी हमें स्टडी करनी है, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। और इस सिस्टम के अलावा बाकी जो पार्ट बच गया उसको अपन क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलते हैं। यानी चारों तरफ का जो भी पार्ट बच गया एटमोसफियर का, यूनिवर्स का, उसको अपन क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। समझ में आ गया, क्लियर। तो क्या कहेंगे, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट टू सिस्टम। क्या कहा, यानी निकाय को छोड़कर, निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, परिवेश कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, नोट करो बेटा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स The remaining part of universe, the remaining part of universe except to system, the remaining part of universe except to system called as surrounding. The remaining part of universe except to system called as surrounding. हिंदी में लिखो बेटा, निकाय को छोड़कर, नीचे स्क्रीन पे नजर रखना ठीक है, लिखो निकाय को छोड़कर, निकाय को छोड़कर, निकाय को छोड़कर या निकाय के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग, निकाय के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग, निकाय के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है, लिख ले बेटा। अब बच्चा कहेगा सर इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा, एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखा बेटा जिस पे हमें फोकस करना वो सिस्टम हो गया और उसके अलावा तो बाकी कई सारी चीजें होगी, तो ठीक है किस किस का नाम हम लिखेंगे बेटा, तो वो हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या जिस पर फोकस करना है, जिसकी स्टडी करनी है, वो सिस्टम हो गया, उसके अलावा बाकी आसपास जो भी बच गए वो सारे क्या होंगे, सराउंडिंग यानी परिवेश का भाग होगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा थर्ड जो टर्म होती है वो बार बार यूज होगी बेटा, बाउंड्री। लिखो बाउंड्री, इसे बोलते हैं परिसीमा, परिसीमा नहीं परिसीमा, 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 बाउंड्री, बाउंड्री, परिसीमा,
लिख लिए बच्चों, देखो क्या कहेंगे बाउंड्री के बारे में, क्या कह सकते हैं बेटा, देखो समझना इस बात को। अपन ने क्या कहा कि यूनिवर्स में कई सारी चीजें होती है, ब्रह्मांड में कई सारी चीजें होती है जिसकी हमें, जिसके बारे में स्टडी करते हैं, वो सिस्टम और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। क्लियर? लेकिन एक बात तो श्योर है बेटा, अगर हमें सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करना है, अलग अलग बताना है कि ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, दोनों अलग अलग है, तो कम से कम बीच में एक सेपरेशन लेयर तो होनी चाहिए ना, यस और नो? अरे दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई परत तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए बेटा, उसी परत को क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, अपन क्या कहते हैं, जैसे नॉर्मली क्रिकेट मैच अपन देखते हैं और कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, बाउंड्री एक लाइन होती है बेटा, देखा ना, इससे पहले अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, यानी 4 या 6 नहीं माना जाएगा, उसके इस तरफ है तो माना जाएगा, इसका मतलब ये क्या, बीच की एक लाइन हो गई। क्लियर? या दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में भी क्या होता है बेटा, एक लाइन होती है जो दोनों के डिवाइडेशन के लिए यूजफुल होती है। क्या? कि मान लो इस साइड का जो एरिया वो इंडिया का, इस साइड का वो पाकिस्तान का, होता नहीं होता? तो बाउंड्री का काम ही क्या है, दो, यानी दो पार्ट में डिवाइड करना। मैंने क्या कहा, बाउंड्री यानी परिसीमा का काम ही क्या है बेटा, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ओके, अब आप कहोगे सर किसको डिवाइड करना है, सिस्टम और सराउंडिंग को। क्यों? क्योंकि हमें पता है दोनों ही किसके पार्ट है, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के भाग है। जिसका अध्ययन करना है, जिसकी स्टडी करनी है, वो सिस्टम हो गया, और उसके अलावा बाकी जो बच गया अपने क्या कहा, वो क्या है, सराउंडिंग है। लेकिन कम से कम एक बात तो श्योर है कि सर ये सिस्टम, ये सराउंडिंग है, दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई परत, कोई लेयर तो होनी चाहिए ना, उसी को क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, परिसीमा बोलते हैं। क्लियर? तो क्या कहेंगे, द रियल और इमेजिनरी लेयर, रियल और इमेजिनरी लेयर विच इज सेपरेट टू सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड एज बाउंड्री। मैंने देखा बेटा क्या बोला है कि वो वास्तविक या काल्पनिक परत जो क्या करती है, निकाय व परिवेश को पृथक करती है, उसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, परिसीमा बोलते हैं। ओके, बच्चे के दिमाग में सर आपने ये क्यों बोला है, रियल और इमेजिनरी यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों आपने क्यों बोला है, तो इसका मतलब क्या होता है, समझना बेटा इस बात को, यानी बाउंड्री जो होती है वो हमेशा रियल हो ये जरूरी नहीं है। अपन इसे क्या मान सकते हैं बेटा, अपन इसे काल्पनिक भी यानी क्या मानते हैं, इमेजिनरी, इमेजिन भी कर सकते हैं कि ये इसको अलग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या, इसकी लेयर हो गई। क्लियर? बाउंड्री हो गई। कैसे रियल, तो कैसे, ये मान लो वाटर है, अपन ने वाटर की स्टडी की थी, तो वाटर तो क्या हो गया, सिस्टम हो गया, बाकी जो बच गया, बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। लेकिन दोनों को सेपरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों, इस बॉटल की लेयर, यस और नो? अरे अगर लेयर नहीं होती तो हमें पता सिस्टम और सराउंडिंग को अपन क्या करते, अलग अलग शो कर पाते क्या, नहीं। ये बॉटल है, इस बॉटल के जो अंदर होगा हमें पता है वो क्या होगा, सिस्टम है, इसके बाहर जो है वो क्या है, सराउंडिंग है बेटा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये तो क्या, रियल वाली कंडीशन है। ओके, इमेजिनरी अपन इमेजिन भी कर सकते हैं, इमेजिन कैसे, जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी भी अपन बात करें, मान लो अपने ह्यूमन बॉडी की हमें स्टडी करनी है, तो अपन तो सिस्टम हो गए, और बाहर जो एटमॉस्फेयर हो गया वो क्या हो गया बेटा, सराउंडिंग हो गया। लेकिन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक लेयर क्या है, जैसे अपनी बॉडी स्किन हो गई। क्लियर? अब बच्चा कहेगा सर फिर ये इमेजिनरी कहां से है, काल्पनिक कहां है, ये तो वास्तव में है। वास्तव में इसलिए है बेटा, अपन क्या करते हैं, एक्चुअल में ये स्किन अपनी बॉडी का पार्ट भी है या नहीं है, अरे अपनी बॉडी का भी पार्ट है, इसका मतलब ये कुछ सिस्टम का भी पार्ट है। लेकिन हमें पता है ये अपनी जो बॉडी ऑर्गन्स है, ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको बाकी एटमॉस्फेयर से आइसोलेट कर रहा है, अलग कर रहा है, इस वजह से इसे अपने बाउंड्री मान सकते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा, एक्चुअल में क्या इसको 100% बाउंड्री कह सकते हैं क्या, नहीं, अपने इमेजिन किया है, तो ये क्या है, इमेजिनरी है बेटा, माना है। समझ में आ गया? क्लियर? तो बच्चों देखो क्या कहेंगे, यानी वो रियल या इमेजिनरी लेयर, वह वास्तविक या काल्पनिक परत जो क्या करेगी, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, पृथक करती है, उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं बेटा। क्लियर? फॉर एग्जांपल समझना इस बात को, जैसे मैं ये लिखूं वॉल ऑफ कंटेनर, ओके, वॉल ऑफ कंटेनर यानी कोई कंटेनर है उसकी वॉल, कोई पात्र है उसकी दीवार। हमें पता है जो पात्र है बेटा उसकी जो दीवार होगी, वो जो कंटेनर है पदार्थ क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी सबस्टांस रखा गया है, पदार्थ भरा गया है, उसको क्या करेगी, बाकी एटमॉस्फेयर से अलग करेगी, नहीं करेगी, करेगी बच्चों। ठीक है, तो वॉल ऑफ कंटेनर अपन बोल सकते हैं, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, अपनी बॉडी स्किन भी बोल सकते हैं बेटा। क्या कहा, बॉडी स्किन। अपनी बॉडी स्किन क्या करती है, ऐसा ही तो काम करती है, अपने जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, अपनी
जो बॉडी स्ट्रक्चर यानी अपनी बॉडी होती है, कंप्लीट बॉडी होती है, उसको एटमॉस्फेयर से अलग करती है, नहीं करती? करती है बेटा, यस और नो, क्लियर? तो ये हो गए जैसे फॉर एग्जांपल बाउंड्री के एग्जांपल, क्लियर? एक बात खास कर ध्यान रखना, क्या जो सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है वो क्या करते हैं? बच्चा कहेगा सर दोनों में आपस में कॉन्टेक्ट पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने क्या कहा? सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों आपस में इंटरेक्ट, इंटरेक्ट मतलब अन्योन्य क्रिया, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई रिएक्टिव, कोई रिएक्शन शो कर सकते हैं कि, यानी एक की वजह से दूसरे में चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और ये जो इंटरेक्शन होगा, अन्योन्य क्रिया होगी, एक दूसरे के सापेक्ष किसके थ्रू होगी? बाउंड्री के थ्रू होगी बेटा। मैंने क्या कहा? यानी बाउंड्री के थ्रू क्या कर सकते हैं? सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? तो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो बेटा, जैसे मान लो इस बोतल के अंदर अपन ने क्या किया? वाटर फिल किया है। अब हमें पता, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो वाटर अंदर फिल किया गया इसके टेम्परेचर में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। एट प्रेजेंट हमें पता है क्या? अरे समर टाइम चल रहा है, यानी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो हमें पता है कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये वाटर और ज्यादा गर्म फील होगा, नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जो बोतल की लेयर है इससे क्या हो रहा है, इसके थ्रू ये एटमॉस्फेयर से कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो हमें पता है एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है इसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर? या फिर जैसे विंटर टाइम की अपन बात करें, सर्दी के समय की अगर अपन बात करें, तो हमें पता है बच्चों उसमें क्या होगा, अरे जैसे जो टेम्परेचर इसका है कुछ टाइम बाद अगर अपन स्टडी करें तो हमें पता है इसका टेम्परेचर कम होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ये इंटरेक्ट कर रहा है, अन्योन्य क्रिया कर रहा है, और ये इंटरेक्शन किसके थ्रू हो रहा है? इसकी लेयर के थ्रू। आप कहोगे सर इसमें लेयर का क्या रोल है? इसमें लेयर का रोल ये है बेटा, ये मान लो नॉर्मल सी बोतल है बेटा, मान लो प्लास्टिक बोतल है, आजकल जैसे मार्केट थर्मस फ्लास्क वाली यानी कॉस्टली बोतल भी आ रही है, इसमें क्या करेंगे अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जैसे मान लो नॉर्मल प्लास्टिक बोतल है या फिर क्या अच्छी क्वालिटी वाली बोतल है, दोनों को अगर इक्वल टाइम में सेम टेम्परेचर वाला वाटर फिल करके रख दे और सेम एटमॉस्फेयर में रख दे, तो हमें पता है जो जल्दी गर्म होना या जल्दी ठंडा होने वाला इफेक्ट जो होगा दोनों बोतल के अंदर जो वाटर फिल किया गया वो दोनों पे सेम होगा क्या? नहीं। मैंने क्या कहा? एक तो मान लो बेटा नॉर्मल सी बोतल है, ठीक है, ये मान लो क्या, ये मान लो थर्मस फ्लास्क वाली बोतल है और ये एक नॉर्मल सी बोतल है बेटा, क्लियर? थर्मस फ्लास्क वाली बोतल में क्या होता है, इसके कॉस्टली होने का रीजन क्या होता है? इसकी जो बाउंड्री होती है, लेयर होती है, ओके? क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्री होती है वो क्या करेगी, इसके अंदर जो वाटर फील है उसको इजीली एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से यानी एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट नहीं करने देगी, अन्योन्य क्रिया नहीं करने देगी, तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो उसकी वजह से अंदर जो वाटर फील है इस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि ये नॉर्मल प्लास्टिक बोतल है तो हमें पता है बच्चों एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जैसे ही कम या ज्यादा होगा तो इसके अंदर जो वाटर फील किया गया उसका टेम्परेचर बहुत इजीली यानी बहुत जल्दी कम या ज्यादा हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, वाटर सेम है, अमाउंट सेम है, एटमॉस्फेयर सेम है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर जो वाटर फील किया गया उसके टेम्परेचर का बहुत जल्दी बढ़ना या कम होना किस पे डिपेंड कर रहा है? इस बाउंड्री पे डिपेंड कर रहा है, लेयर पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? तो क्या कहेंगे, नॉर्मली हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, बाउंड्री के थ्रू क्या करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपन भी देखते हैं बेटा अपने बॉडी पे क्या होते हैं, अरे कई सारे सेंसर ऑर्गन काम करते, नहीं करते, सेंसिटिव ऑर्गन या सेंसर काम करते हैं, कैसे? एटमॉस्फेयर में जैसे होता है बेटा, जैसे मान लो टेम्परेचर कम होना या ज्यादा ना उसके अकॉर्डिंग हमें फील होता है, नहीं होता? होता। हम अपनी स्किन के थ्रू क्या एटमॉस्फेयर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्लियर? वैसे इसकी जो मान लो बोतल है या और कोई कंटेनर है, इसकी जो लेयर है, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर वगैरह या और कोई सब्सटेंस फील किया गया है वो भी एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा? समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? तो अपने क्या कहा बेटा, इसमें सबसे अच्छा पॉइंट यही बनता है क्या, कि जो बाउंड्री के थ्रू क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, अन्योन्य क्रिया दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं, समझ में आ गया, क्लियर? लिखो बेटा बाउंड्री, लिखो द रियल और इमेजिनरी लेयर, द रियल और इमेजिनरी लेयर 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 विच इज सेपरेट टू द रियल और इमेजिनरी लेयर
which is separate to system and surrounding, which is separate to system and surrounding, which is separate to system and surrounding, called as a boundary. हिंदी में लिखो, वह वास्तविक या काल्पनिक परत जो निकाय तथा परिवेश को पृथक करती है, जो निकाय तथा परिवेश को पृथक करती है, परिसीमा कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। एग्जाम्पल लिखो बेटा, वॉल ऑफ कंटेनर यानी पात्र की दीवार, बॉडी स्किन शरीर की त्वचा। लिख लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा, सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट अक्रॉस द बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट अक्रॉस द बाउंड्री। हिंदी में लिखो, बाउंड्री के द्वारा या बाउंड्री के माध्यम से निकाय तथा परिवेश अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा कर सकते हैं, हमेशा करे कोई जरूरी नहीं है। सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट अक्रॉस द बाउंड्री। निकाय तथा परिवेश क्या करते हैं, बाउंड्री के माध्यम से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। ओके, चलो बेटा हमने जो लिखा है बच्चों देखो उसको अपन क्या करें, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग सिंपल वे में समझते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर है बच्चों, ये मान लो कोई भी कंटेनर हो सकता है, ठीक है, कोई बॉक्स है या कोई कंटेनर है। इसमें अपन ने क्या किया है, ये मान लो बच्चों क्या, इसमें कोई ग्लास या बोतल हमने रखी है, इसमें क्लियर ग्लास या बोतल रखी है। इसमें अपन ने क्या किया, मान लो ये वाटर हमने इसमें फिल कर दिया बच्चों, ये मान लो इसमें वाटर फिल है, क्लियर। अब मान लो इसको जो अभी अपने कई सारे टर्म्स हमने यूज किए, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स वगैरह, बाउंड्री वगैरह, इनकी टर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो क्या कहेंगे, इसके अंदर जो वाटर फिल है बेटा वो तो क्या हो गया, जैसे सिस्टम हो गया, क्लियर, ठीक है। और बात करें बच्चों देखो ये जो इसकी बाउंड्री है, देखो बच्चों ये वॉल कंटेनर है, ये क्या हो गई, ये बाउंड्री हो गई, क्लियर, ठीक है। और हमें पता बाकी जो अपन ने क्या कहा, इसके अंदर जो वाटर अगर फील है बेटा वो सिस्टम है, तो जो कंटेनर की वॉल है ये मान लो इसकी बाउंड्री हो गई, तो बाकी जो बाहर का पार्ट बच गया ये क्या हो गया इसका, ये सराउंडिंग पार्ट है, इसके चारों तरफ का पार्ट है, क्लियर। और इन सभी से मिलकर क्या होगा, ये कंप्लीट सिस्टम यानी यूनिवर्स बनेगा या नहीं बनेगा, यस और नो, इसे बोलते हैं बेटा कंप्लीट पार्ट को, इन सबको मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स। बात समझ में आ गई क्या, तो क्या लिखा जाता है बेटा, कई जगह ऑप्शन आता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्या कहा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्स बोला जाता है, क्लियर। यानी क्या कहा, निकाय प्लस प्रिवेश, क्या कहा, निकाय प्लस प्रिवेश इक्वल टू क्या होता है, ब्रह्मांड। ओके, बच्चा कहेगा सर बाउंड्री
कहां गई, बाउंड्री इन दोनों में इंक्लूड हो गई। बच्चों बात समझ में आई क्या, बाउंड्री की वैसे अलग से स्टडी नहीं करते, मेनली तो क्या करते हैं, जिस पे फोकस करना है वो तो क्या सिस्टम, और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया सराउंडिंग। तो दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, यूनिवर्स का कंप्लीट पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल डायग्राम ना लो ये, और साइड में ऐसे लिख लो इजी वे में। कली बच्चों कली क्या, ये तो अपने बात की बच्चों, क्या थर्मोडायनेमिक्स जो टर्म्स है बेसिकली, यानी बार बार यूज होगी, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री ये सब क्या है कैसे है, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर? चलो बेटा ये तो बेसिकली हमने बात की है कैसे करना है क्या करना। अब जो इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होगा बेटा वो क्या होगा, सिस्टम, क्योंकि सीधी सी बात है हमें स्टडी करनी है, और जिसकी स्टडी करते हैं उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं बेटा, क्लियर? तो सबसे ज्यादा जो तीनों टर्म में यूज होता है वो तो क्या सिस्टम, बाकी के जो बच गए इसके अलावा उनको अपन बाउंड्री या फिर सराउंडिंग ये सब बोल देते हैं, क्लियर? तो मेन फोकस किस पर होगा, सिस्टम पर, क्लियर? और सिस्टम भी मान लो एक ही टाइप का हो, ये कोई जरूरी नहीं है, इसको भी क्या अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है बच्चों, क्लियर? लिखो बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार, निकाय या तंत्र के प्रकार। तो इसकी बात करें बच्चों, देखो ये तीन टाइप से डिवाइड करेंगे। नंबर वन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, खुला तंत्र या निकाय, ओपन सिस्टम, खुला तंत्र या निकाय, लिख लिए? समझना बेटा, देखो इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, अच्छे समझना, क्योंकि मैंने क्या कहा एग्जाम्पल बेस्ड पोर्शन जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो एग्जाम्पल पे टिक भी नहीं लगा सकते बेटा। कैसे होता है, क्या करना, देखो समझना अच्छे से, मैंने क्या कहा था, एक मैंने पॉइंट बोला था कि सिस्टम और सराउंडिंग बाउंड्री के थ्रू आपस में इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं बेटा। और ये जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है बेटा, एक तो क्या एनर्जी का होता है, एक होता है मैटर का। क्या कहा, एक तो होता है ऊर्जा का, एक होता है द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ का, जो उसके अंदर फील किया गया है, भरा गया है। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या कहा, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों में आपस में इंटरेक्शन तो होता है, अन्योन्य क्रिया तो होती है, लेकिन ये इंटरेक्शन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक तो किसका होता है एनर्जी का, एक होगा बेटा मैटर का, मास का, द्रव्य का। बात समझ में आ गई, क्लियर? कैसे होगा, एनर्जी का होने का मतलब क्या है, जैसे हमने ये बोतल वाला एग्जांपल लिया था, इस बोतल की अगर अपन बात करें तो हमें पता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ इसके अंदर जो वाटर फील किया गया बेटा उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है, जब ये बाहर एटमॉस्फेयर से हीट यानी उष्मा को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, यस और नो, करता है। या फिर इसका टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा बच्चों, जब ये खुद हीट लॉस करेगा यानी एटमॉस्फेयर में हीट जाएगी। समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कभी ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कभी ये हीट लॉस कर रहा है। अरे इंटरेक्शन का मतलब ही क्या होता है, आपस में कोई मतलब कॉन्टेक्ट करना। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है ये हीट का एक्सचेंज कर रहा है, चाहे लॉस करे चाहे गेन करे। बच्चों हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म। आ गया समझ में? ये इंटरेक्शन क्या हो गया, एनर्जी का हो गया। समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है बेटा। दूसरा मैंने क्या बोला है, मैटर, द्रव्य। मैटर का मतलब क्या होता है, अमाउंट। बात समझ में आ गई क्या, अमाउंट की बात करें, मान लो ये बोतल है, इसमें से अपन ने क्या किया, या फिर जैसे मान लो बोतल से कुछ वाटर को अपन बाहर गिरा दे, मान लो कुछ वाटर अपने बाहर गिरा दिया तो क्या होगा, अरे वाटर की कुछ अमाउंट क्या होगी, बोतल से बाहर जाएगी नहीं जाएगी, यानी जो सिस्टम था उसको छोड़ के सराउंडिंग में चली जाएगी, क्लियर? या फिर क्या करे, बाहर से और वाटर इसमें ऐड कर दे, तो हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ रहे नहीं आ रहे, सिस्टम में आके मिल गए, इसके क्या बोलते हैं बेटा, मैटर, द्रव्य का आदान प्रदान, एक्सचेंज। समझ में आ गया, क्लियर? तो मैंने क्या कहा, अगर एक्सचेंज जो होता है यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन यानी कॉन्टेक्ट होता है, सिंपल वे में अगर कहूं संपर्क होता है,
इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, वो क्या होगी? दो फॉर्म में होती है, एक तो एनर्जी की फॉर्म में, हीट या एनर्जी की फॉर्म में, एक होती है मैटर की अमाउंट या मैटर की टर्म में, मात्रा या द्रव्य के रूप में बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा, दो ही फॉर्म में स्टडी करते हैं, ध्यान रखना। या तो क्या होगी, अब ये जो इंटरेक्शन क्या, या तो दोनों की फॉर्म में होगी, या फिर एक की फॉर्म में होगी, या फिर दोनों की ही फॉर्म में नहीं होगी। मैंने दो फॉर्म कौन सी बोली है, एनर्जी और मैटर, ऊर्जा और द्रव्य। क्लियर? यानी या तो दोनों का एक्सचेंज होगा, या दोनों का ही नहीं होगा, या फिर दोनों में से किसी एक का एक्सचेंज हो सकता है। इस बेसिस पे अपन इनको क्या करें, सिस्टम को अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। ठीक है बेटा, यानी खुला तंत्र, बंद तंत्र, या और तीसरा बोलते हैं विलगित तंत्र। क्लियर? वन बाय वन बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होगा दो टाइप से हो सकता है, एक एनर्जी की फॉर्म में, दूसरा मैटर की टर्म में। बात समझ में आई कैसे होगा? जैसे अभी मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल वाला एग्जांपल बताया था। क्लियर? यहां बात करें ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम यानी खुला तंत्र, एकदम खुल्लम खुला। बात समझ में आई क्या? इसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत क्यों नहीं है, यानी एनर्जी, एनर्जी और मैटर, ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। मैंने क्या कहा, ओपन टाइप का है, बोलते ना एकदम ओपन माइंडेड है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? वैसे ये भी क्या एकदम है, ओपन माइंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी, चाहे एनर्जी का एक्सचेंज करे, चाहे मैटर का एक्सचेंज करे, इसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोला जाता है। क्लियर? लेकिन मैंने क्या कहा, मतलब ये होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल जनरली कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, तो समझना बेटा इस बात को, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं, समझना अच्छे से बात को। मैंने क्या कहा, वॉटर, एक तो मैं जैसे ये लिख रहा हूं, वॉटर इन ए इन एन ओपन कंटेनर। ठीक है, ओपन है कंटेनर, यानी खुले पात्र में रखा जल। बात समझ में आई क्या, क्या लिखा, वॉटर इन एन ओपन है कंटेनर, यानी कोई ओपन कंटेनर है, उसमें मान लो अपन ने क्या लिखा बेटा, वॉटर रखा गया है। क्लियर? बात समझ में आई क्या? या फिर मैं एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं बेटा, एक कप ऑफ हॉट टी और कॉफी। बच्चा कैसा, लस्सी का। ठीक है, अपने क्या कहा, एक कप ऑफ हॉट टी और कॉफी। बच्चों मैंने क्या कहा, देखो इनका मीनिंग जरूर समझना, हॉट टी और कॉफी, एक एक का मीनिंग जरूर समझेंगे। या फिर मैं क्या बोलूं बेटा, जैसे अपन बात करें नॉर्मली, जैसे ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग की बात करूं बच्चों, क्या कहेंगे, लिविंग सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहा, लिविंग सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, या फिर अपन क्या कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थ। बात समझ में आई क्या, अर्थ इटीसी। कई सारे एग्जांपल इसमें हो सकते हैं बच्चों। देखो कई सारे एग्जांपल मैंने लिखे जरूर है, लेकिन इनका मीनिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे समझना, मैंने क्या कहा, वॉटर इन एन ओपन कंटेनर, यानी कोई खुला ओपन कंटेनर है, उसमें अपन ने क्या लिखा, अगर वॉटर फील किया गया तो वो क्या होगा, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। बच्चा कहेगा सर क्यों, ये क्लोज कंटेनर क्यों नहीं हो सकता? तो बच्चों क्लोज कंटेनर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ओपन सिस्टम बोला है, क्या कहा, ओपन सिस्टम अगर बोला है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसमें एनर्जी का एक्सचेंज भी होना चाहिए, यानी हीट का आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान भी होना चाहिए, और मैटर यानी द्रव्य का आदान प्रदान एक्सचेंज भी होना चाहिए। ओके, कैसे, अगर क्लोज कंटेनर होता तो सर क्या होता, मान लो ये बोतल पैक है बेटा, ये बोतल पूरी पैक है, तो हमें पता वाटर के टेम्परेचर में चेंज हो सकता था नहीं हो सकता था, अरे एटमॉस्फेयर की वजह से इसके टेम्परेचर में चेंज होता या नहीं होता, होता। क्यों, एटमॉस्फेयर से या तो ये हीट गेन करता या फिर हीट लॉस करता, इस वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता था। यानी क्लोज कंटेनर है फिर भी ये हीट का एक्सचेंज तो कर सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा, ओनली हीट या एनर्जी का एक्सचेंज करने से ओपन हो जाएगा क्या, नहीं। इसमें दोनों चीजें कंसिडर करनी है, एक तो एनर्जी, दूसरा क्या, मैटर। अगर ये क्लोज है, पूरा पैक है, तो ये बताओ बच्चों मैटर का, द्रव्य का आदान प्रदान होगा क्या, नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है, जब इसको ओपन कर दे, ओपन कर दे तो हमें पता है नॉर्मली, जैसे मान लो बोतल को हमने ओपन कर दिया बेटा, तो टेम्परेचर तो चेंज हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैटर की बात करिए तो हमें पता है वॉटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या होती है, वेपराइज होना, अरे वेपर में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे, होंगे बच्चों। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल फील किए गए, हमें पता वो वेपर में कन्वर्ट हो के कंटेनर से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे। यानी द्रव्य, द्रव्य मतलब है मैटर, जिसके यानी ऐसे पार्टिकल जिनका कुछ ना कुछ मास हो। बात समझ में आई क्या, मैटर। ठीक है बेटा, तो क्या कहा, अगर कंटेनर ओपन है, खुला है, तो क्या होगा,
इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, वेपर वाष्प में कन्वर्ट होके बच्चों क्या होगा, कंटेनर को छोड़ के बाहर जा सकते नहीं जा सकते। इसका मतलब है क्या होगा, हीट का एक्सचेंज तो हो ही जाएगा, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैटर का एक्सचेंज कब होगा, द्रव्य का आदान प्रदान कब होगा, जब कंटेनर ओपन वाला होगा। यस और नो, क्लियर? तो मैंने क्या लिखा, वॉटर इन एन ओपन कंटेनर, समझ में आ गया, क्लियर? और ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा, हॉट टी और कॉफी वाला, जेई में पूछा गया है ये एग्जाम्पल, है समझना इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है। अपने क्या लिखा, एक कप हॉट टी और कॉफी। बच्चा कहे सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब बेटा समझना, हॉट टी और कॉफी, चाहे चाय हो चाहे कॉफी हो बेटा, गर्म चाय या कॉफी का कप। बच्चों देखो कैसे, जैसे नॉर्मली अपन क्या कहते हैं, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो बेटा, उसमें केटीजी वगैरह आता है और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी आता है बेटा, ओके। तो नॉर्मली उसमें क्या होता है, नॉर्मली उसमें क्या, कोई लिक्विड होता है, कोई लिक्विड सबस्टांस होता है, उसका वेपराइज होना बच्चों डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे किया जाता है बेटा समझना, ये मान लो कोई कप है बेटा, ओके, कोई कप है, तो नॉर्मली क्या इसमें मान लो चाय कॉफी वगैरह फील की गई है, ठीक है, चाय कॉफी फील करनी है, नहीं अपनी चॉइस से और कुछ फील कर दो इसमें, नो बेटा चाय कॉफी की बात कर रहे हैं, क्या कहा। अब नॉर्मली क्या होगा, हमने देखा है मान लो चाय हो कॉफी हो टी हो कॉफी वगैरह कुछ भी हो बेटा, या फिर मान लो गर्म करके वाटर मॉलिक्यूल वाटर फील कर दिया अपने, मिल्क हो कुछ भी हो बेटा, मान लो चाय कॉफी की बात करें तो सपोज करो कप हमने यहाँ पर रखा है, तो देखा होगा बेटा एक्चुअल में क्या होता है, अरे मान लो टी कॉफी जो भी हो बेटा अपन बनाते हैं कप के अंदर डालते हैं हाथों हाथ पी जाते हैं क्या, नहीं, अपन क्या करते हैं थोड़ी देर इसे एटमोसफेयर में रख के इसे ठंडा करते हैं, करते नहीं करते, इसके ठंडे होने का रीजन क्या, थोड़ा सा फिजिक्स में घूम के आते हैं बच्चों, देखो कैसे एक्चुअल में क्या होता है, देखो क्या होगा इसके अंदर एक्चुअल में इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फिलहाल क्यों टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमें पता है कॉन्सेप्ट होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, यस और नो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है बेटा, पार्टिकल को मूवेबल रखने के लिए हेल्पफुल होती है, गतिशील रखने के लिए, ओके। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हमें पता है कुछ पार्टिकल सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने क्या कहा, अगर पार्टिकल क्या, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, और जिन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है वो सरफेस को छोड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे, अरे तभी तो वेपराइज होना इजीली हम देख सकते हैं, वाष्पीकृत होना, क्लियर। तो क्या कहा, जिनका टेम्परेचर ज्यादा था उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और वो सरफेस को छोड़कर चले गए, क्लियर। लेकिन ये बताओ बेटा, अरे सारे के सारे टी या कॉफी के मॉलिक्यूल चले जाएंगे क्या, सारे के सारे जाते तो हम तो इंडियन आपको पता है ठंडा होने का वेट करते क्या, नहीं, अंदर चाहे कुछ भी हो जाए सब कुछ जल जाए, लेकिन सारे मॉलिक्यूल अगर चले जाते तो ठंडा नहीं होने देते, ये तो श्योर है बेटा, बात समझ, कुछ भी हो जैसा भी हो एक एक पैसा वसूल करते ऐसी कैसी पी जाते बेटा, लेकिन ऊपर वाले को भी पता था एक कंट्री ऐसा होगा उसने पहले से अरेंज कर दिया क्या कि भाई सारे मॉलिक्यूल तो मत जाना मत, कुछ रह जाना, यानी जो नहीं रह सकते वो चले जाओ बाकी रुक जाना। एक्चुअल में होता क्या, यहां भी साइंस क्या है कि क्या एक्चुअल में इसके अंदर सभी मॉलिक्यूल जो है उनके कुछ की क्या है बेटा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कुछ का टेम्परेचर कम है, क्लियर। तो जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी और वो सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे, क्लियर। और बाकी मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर कम था यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी तो क्या होगा, उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सरफेस को छोड़कर जा सके, और हमें पता वो सरफेस को छोड़कर नहीं जा सकते तो वो क्या रहेंगे, कंटेनर के अंदर ही रह जाएंगे। इसका मतलब है कुछ मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के जा चुके हैं, कौन से जा चुके हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर ज्यादा था, क्लियर। बाकी कौन से बच गए, जिनकी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर कम है, समझ में आ गया, क्लियर। इसका मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर कम है तो बच्चों क्या होगा, ओवरऑल पूरे मिक्सर का टेम्परेचर हमें कम फील होगा या नहीं होगा, होगा तो ये पहले के कंपैरिजन में ये ठंडी फील होती है, यानी इसका टेम्परेचर कम फील होता है, हम इजीली फिर आसानी से पी जाते हैं, समझ में आ गया, यस और नो। अब यहाँ पर ये वर्ड क्यों बोला गया, हॉट, ठीक है सर, कोल्ड क्यों नहीं बोला, ठंडा क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है बच्चों अगर ये जो टी या फिर कॉफी हमने यूज किए बेटा, ये अगर मान लो ठंडी होती बिल्कुल कोल्ड होती बेटा तो क्या होता बच्चों, इसमें एक्चुअल में क्या होता, अगर पहले से इसका टेम्परेचर कम है तो बच्चों ये बताओ, अरे पार्टिकल में इतनी एनर्जी होती क्या कि वो सरफेस को छोड़कर जा सके, नहीं, अगर वो सरफेस को छोड़कर नहीं जा सकते
तो ये बताओ मैटर का एक्सचेंज होता क्या, क्योंकि कुछ पार्टिकल सिस्टम से बाहर जाएंगे तभी तो हम बोलेंगे मैटर द्रव्य का आदान प्रदान हुआ है। क्लियर? हमें पता है यहाँ पर क्या, अरे टेम्परेचर तो चेंज होता ही है, हीट का एक्सचेंज, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है, क्योंकि कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, यानी सरफेस को छोड़कर जा रहे हैं कंटेनर से बाहर। क्लियर? लेकिन अगर ठंडा होता, टेम्परेचर कम होता, तो पार्टिकल में इतनी एनर्जी होती क्या कि वो सरफेस को छोड़कर जा सके? नहीं बच्चो, इस वजह से क्या बोलेंगे, ये हॉट वर्ड यूज किया यहाँ पर टी और कॉफी के साथ। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा बेटा, लिविंग सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवित जीव या जीवित निकाय। मैंने क्या कहा, ओपन का मतलब ही क्या होता है, मास और एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान करना, त्यागना या ग्रहण करना करेंगे। क्लियर? अपन लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर, तो क्या करेंगे बच्चों, लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी बात करें बेटा, अरे हम पूरे दिन चढ़ते नहीं चढ़ते बेटा, इनकमिंग आउटगोइंग सब चलता नहीं चलता अपना, चलता है। ठीक है, इसका मतलब मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, द्रव्य का आदान प्रदान हो रहा है। बात समझ में आई क्या? और हमें पता है एटमॉस्फेयर का जैसे टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है बच्चों अपन क्या करते हैं, अरे सर्दी या गर्मी फील करते नहीं करते, करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कई सारे प्रोसेस भी यूज करते हैं। जैसे हम मान लो हीटर वगैरह यूज करते हैं तो क्या, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या विंटर टाइम में हम बात करें नॉर्मली क्या करें, जैसे मान लो क्या करें विंटर टाइम में हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो समर टाइम में क्या करते हैं, जो स्वीटिंग वाला केस होता है, पसीने वाला केस होता है, जैसे हम हीट लॉस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो मैंने क्या कहा, हीट का एक्सचेंज तो करते ही करते हमारी बॉडी, लेकिन लिविंग सिस्टम की बात करें तो इनकमिंग आउटगोइंग भी चलते हैं, मैटर द्रव्य का आदान प्रदान भी हो रहा है। लेकिन अगर डेड बॉडी हो बेटा, डेड बॉडी कभी कहती है क्या मुझे चाय पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ, या मुझे कोई बात है बिस्किट लागे दो या फिर पानी पूरी खिलाओ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, क्योंकि इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो चुकी है। या मुझे सर्दी गर्मी लग रही है, कूलर लगाओ, एसी लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा कुछ होता है क्या? नो, क्योंकि वो हीट का एक्सचेंज भी नहीं करता। इस वजह से बोला गया लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई क्या, जीवित जीव या जीवित निकाय। क्लियर? एक मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखा बेटा अर्थ। नॉर्मली एग्जाम्पल आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, बात समझ में आई क्या, अर्थ भी क्या है, एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो मैंने क्या कहा, बस मतलब ध्यान होना चाहिए, ओपन का मतलब क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सके। अर्थ में हम देखते हैं बच्चों, अरे कुछ भी मान लो अंदर से, मान लो कोई जैसे मिनरल्स होते हैं या फिर मेटल्स वगैरह होती है बेटा, तो क्या होता है, अरे अर्थ से बाहर निकालते नहीं निकालते, निकालते हैं। या फिर जो क्या होता है, अरे रेनी सीजन होता है या फिर बारिश का पानी वगैरह होता है बेटा, वो भी क्या बाहर से अर्थ के अंदर जाता नहीं जाता, जाता है, उसके साथ कुछ मिनरल्स भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे मेटल्स हो, वो क्या अर्थ से बाहर भी आती है, अर्थ के अंदर भी जा सकती है। इसका मतलब एनर्जी क्या होगा, मास का एक्सचेंज कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा है बच्चों। ठीक है, एनर्जी या हीट का एक्सचेंज अपन देख सकते हैं, जैसे सर्दी के टाइम तो क्या होता है बेटा, विंटर टाइम में हम देख सकते हैं जो सरफेस होती है, फ्लोर होता है, अर्थ होता है, हमें ठंडी फील होती नहीं होती, होती है बेटा, क्योंकि ये काफी हीट का लॉस कर देती है। या फिर नॉर्मली क्या करें बेटा, विंटर टाइम में बजाय अपन समर टाइम की बात करें, गर्मी के टाइम की बात करें, तो हमें पता काफी गर्म फील होती नहीं होती। इसका मतलब क्या है, एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग कभी अर्थ का टेम्परेचर कम होता है, कभी अर्थ का टेम्परेचर हमें ज्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट का भी एक्सचेंज करती है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? तो ये चार मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखे बेटा, इनका मीनिंग क्या है, समझ में आ गया? क्लियर? तो शॉर्ट एंड स्वीट में क्या कहूंगा, ओपन सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन होगा, वो दो टाइप का, या तो एक तो क्या एनर्जी या हीट का, दूसरा क्या अमाउंट या किसका, मैटर का बच्चों। क्लियर? अगर दोनों का होता है तो उसे क्या बोलेंगे, ओपन टाइप का सिस्टम। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ये सब। क्लियर? यहां तक बात ठीक है बेटा? चलो लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर, the system which can exchange of both energy and matter with the surrounding, with the surrounding, इतना काफी है। ठीक है, हिंदी में लिखो, वह निकाय
जो परिवेश के साथ, वह निकाय जो परिवेश के साथ, वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्य, ऊर्जा तथा द्रव्य, ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। काम खत्म। इसके एग्जांपल में क्या लिखेंगे? वाटर इन एन ओपन कंटेनर, एक खुले पात्र में जल, ठीक है। या फिर क्या लिखेंगे? गर्म चाय या कॉफी का कप, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं? लिविंग यानी जीवित निकाय या जीवित तंत्र या फिर पृथ्वी। क्लियर? ये एग्जाम्पल लिखो बेटा। कलिए नोट। चलो, टाइप्स ऑफ सिस्टम में ये तो बेटा हमने पहला डिस्कस किया है ओपन सिस्टम की। ओके, नंबर टू लिखो बेटा, क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र या निकाय, बंद तंत्र या निकाय, बंद तंत्र या निकाय। बंद तंत्र या निकाय। क्लियर बच्चों? देखो, क्लोज सिस्टम मैंने क्या कहा था बच्चों, जो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन होगा, अन्योन्य क्रिया होगी, वो तो दो टाइप की हो सकती है। एक तो कौन सी? एनर्जी की, एक कौन सी? मैटर की। अगर दोनों की होती है तो क्या बोलेंगे? एकदम खुलम खुला ओपन टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? लेकिन दोनों में से क्या? एक की होगी। क्या कहा? दोनों में से एक की होगी तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। अब ये बताओ, दोनों में से एक की होना किसका ज्यादा ईजी है, एनर्जी का या मैटर का? एनर्जी का। अरे, हीट का एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता? नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि हमें पता है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं तो हमें पता, पूरा अगर पैक है, पूरा अगर पैक है तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, पूरा कंटेनर अगर पैक है तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, अरे मैटर बाहर जा सकता है क्या? द्रव्य बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता बच्चों। ओके, लेकिन हमें पता, कंटेनर अगर पैक भी है तो हीट का एक्सचेंज तो हो सकता, नहीं हो सकता? अरे, ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता है। बात समझ में आ गई क्या? तो क्या कहेंगे, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ओनली एनर्जी का एक्सचेंज हो, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम यानी बंद तंत्र बोला जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें, एग्जांपल बेस्ड है तो मैंने कहा एग्जांपल जरूर हमें ध्यान रखना, तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे वाटर इन ए क्लोज कंटेनर। क्या कहा? कोई क्लोज कंटेनर है बेटा, चाहे बोतल हो चाहे कोई और कंटेनर हो, अपने क्या कहा? वाटर इन ए क्लोज कंटेनर, ठीक है। या फिर जैसे अपन लिखे बेटा प्रेशर कुकर। क्या कहा? प्रेशर कुकर। इसकी अपन बात करें बेटा, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्या कहा? वाटर इन ए क्लोज कंटेनर। ये तो इजी सी बात है, कोई भी कर सकता है। कैसे? मान लो कोई क्लोज कंटेनर है, जैसे अपने बोतल वाला एग्जांपल अपने समझा भी था क्या, ये मान लो बोतल है बेटा, इसके अकॉर्डिंग बात की, इसको हमने पैक कर दिया, तो हमें पता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं क्या, या बाहर से अंदर आ सकते हैं क्या? अगर पूरी पैक है तो हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल ना बाहर जाएंगे, नहीं अंदर आएंगे बेटा। क्लियर? इसका मतलब मैटर यानी द्रव्य का आदान प्रदान तो नहीं होगा। लेकिन ये बताओ, इसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि ये जो बोतल है, हमें पता है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, वो हीट का लॉस भी कर सकते हैं एटमोसफियर से, या गेन भी कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब एनर्जी या हीट का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है बेटा। और क्या कहेंगे? दूसरा अपने एग्जाम्पल क्या लिया? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में नॉर्मली देखा भी होगा बेटा, कई बच्चे खाना बनाते भी होंगे, तो समझने के लिए अपन क्या कह सकते हैं बेटा, ये मान लो कोई प्रेशर कुकर है बेटा, ठीक है,
सर कौन सी कंपनी का क्या है कैसा है, ये अपना काम है नहीं है, ओके। यहाँ पर बच्चों आपने क्या, जैसे मान लो सीटी लगा दी बेटा, ओके ठीक है, ये इसका हैंडल है बच्चों, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने मान लो जो भी इसमें बनाना है बच्चों, आपने क्या किया, सारी सब्जियां इसमें डाल दी, तेल मिर्च मसाला हल्दी धनिया अदरक जीरा, ठीक है, लौंग इलायची पुदीना जो जो आपके धक्के चढ़ा बेटा सब आपने इसमें डाल दिया, ओके। अब नॉर्मली बेटा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे, नॉर्मली हमें पता है मान लो कि प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, ऊपर का पार्ट थोड़ा खाली रखा जाता है। अरे ऐसा भी कोई है क्या जो यहाँ तो पूरा पैक करके खाना बनाए, ऐसा है क्या, नहीं बेटा, हमें पता है कुछ पार्ट खाली रखा जाता है, तो इसके अंदर मान लो ऑयल वाटर वगैरह जो भी होता है उसके अंदर अपने वेजिटेबल वगैरह डाल दी, सब्जियां डाल दी बेटा, ओके, जो हमें बनानी है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, हमें पता है ये जो ऑयल है या फिर वाटर है ये हमें पता है वेपराइज होके, अरे वेपराइज होके यहाँ क्या होगा बेटा, अरे क्या होगा इसमें, क्या होगा, होगा यहां पर जमा होता जाएगा, लेकिन हमें पता है ऊपर का जो फ्री स्पेस है उसमें क्या होगा, एक लिमिट तक तो क्या होगी, वेपर जो होगी, वाष्प जो बन रही है इस लिक्विड मटेरियल से, या चाहे ऑयल हो चाहे वाटर हो, उससे वेपर बन रही है वो एक अमाउंट तक तो यहां जमा होगी, लेकिन हमें पता है जब बात बस के बाहर हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, अरे यहां से बच्चों देखो सीटी बजना स्टार्ट होती नहीं होती, सीटी बजना स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि जब क्या अंदर बनने वाली वेपर की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तब वो क्या होगी, यानी वो प्रेशर अप्लाई करेगी, अरे प्रेशर अप्लाई करेगी तो ये सीटी जो होगी वो क्या होगी, अपर साइड में मूव करेगी, और यहां जो पोर होता है, छिद्र होता है, उससे ये वेपर क्या होगी, बाहर पास होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो प्रेशर कुकर भी ऐसा ही एग्जांपल होता है, क्यों, इसमें क्या होता है, जो वेपर होती है बेटा क्या होगी, अरे वेपर बाहर पास होती जाएगी, जैसे टी वाला केस हमने देखा था, वेपर की फॉर्म में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं होगा, होगा बच्चों, बात समझ में आई क्या। लेकिन अब बच्चे के दिमाग में आए, बच्चे के दिमाग में आए कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड था इसके अंदर लिक्विड है, चाहे ऑयल हो चाहे वाटर हो, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा था तो क्या होगा, और ये वेपर बाहर पास हो रही है, तो सर ये लिक्विड के पार्टिकल थे, द्रव के कण थे, और आपने कहा पार्टिकल अगर पास हो रहे हैं तो वो मैटर माना जाता है, द्रव्य माना जाता है, जबकि आपने कहा क्लोज में तो क्या होगा, ओनली एंड ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का नहीं होगा। तो बच्चों एक्चुअल में रीजन क्या है, ये 100% करेक्ट कंडीशन नहीं है, लेकिन एज्यूम की जाती है क्या, एक्चुअल में यहां मैटर किसको कंसीडर किया जाता है, यहां मैटर कंसीडर किया जाता है जो इस फेज में है, यानी जो वेजिटेबल फॉर्म में है, क्लियर, वेजिटेबल फॉर्म में, उसको क्या, यानी जो सब्जी वगैरह हम बना रहे हैं वो इसमें द्रव्य माना जाता है, मैटर माना जाता है, क्लियर। यहां पे जो वेपर बाहर पास होती है वो क्या, यानी इतनी ज्यादा वेपराइज हो जाती है कि वो क्या, हीट या एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है बेटा, बात समझ में आ गई क्या। तो क्या कहेंगे, यहां जो वेपर है उसको क्या, हीट या एनर्जी की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, मैटर मेनली किसको कंसीडर करते हैं, यहां जो वेजिटेबल है इसको मैटर या द्रव्य कंसीडर करते हैं, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो क्या कहा, ऐसा कभी देखा गया प्रेशर कुकर से सब्जियां ही बाहर जा रही है, अरे बात समझ में आई, कभी ऐसा देखा गया कि आलू है लौकी है या फिर दाल है वो क्या, यानी प्रेशर कुकर से बाहर पास हो रही है और आप साइड में बैठे, यानी थाली वगैरह लेके साइड में इसकी हो वो इसमें डाल रहे हो, ऐसा होगा, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, नहीं बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, जो वेपर होती है वो बाहर पास होती है और उसको हीट की फॉर्म यहां पर एज्यूम किया जाता है, मैंने क्या कहा 100% कंडीशन करेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसको मैटर कंसीडर करके इसको वेपर या हीट की फॉर्म कंसीडर किया जाता है, तो ओनली हीट या ऊर्जा यानी आदान प्रदान हो, यानी ओनली हीट का एक्सचेंज हो और मैटर का एक्सचेंज नहीं हो तो क्या बोलते हैं इसे, क्लोज सिस्टम यानी बंद तंत्र बोला जाता है। समझ में आ गया बेटा, यस और नो, क्लियर, नोट करो बेटा, लिखो द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, the system which can exchange only of energy, the system which can exchange only of energy, the system which can exchange only of energy, the system which can exchange only of energy but does not exchange of matter with the surrounding, the system which can exchange only of energy but does not exchange of matter with the surrounding, theek hai।
हिंदी में लिखो बेटा, वह निकाय जो परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, वह निकाय जो परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, वह निकाय जो परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं करता। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो बेटा। वाटर इन ए क्लोज कंटेनर प्रेशर कुकर, बंद पात्र में रखा जल और प्रेशर कुकर को अंडरलाइन कर लेना बेटा। चलिए चलिए बेटा, चलो ये अपने बात की बेटा क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम यानी बंद तंत्र कैसा होता है, क्या होता है, क्लियर। थर्ड पे आते हैं बेटा, लिखो आइसोलेटेड सिस्टम, इसे बोलते हैं विलगित निकाय। आइसोलेटेड विलगित निकाय लिख लिए। आइसोलेटेड सिस्टम यानी आइसोलेट, बच्चों ये कई जगह वर्ड यूज करते हैं ना आप, कल तो एक डेढ़ साल में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। आइसोलेशन वर्ड, आइसोलेट कर दो, ठीक है। कहने का मतलब क्या, दुनियादारी से अलग कर दो बेटा, ठीक है। अरे नॉर्मली कई पर्सन होते हैं ना जिसको दुनियादारी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे अपना विकास पुरुषोत्तम, ओके, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वही क्या ऐसी ही कंडीशन है बेटा, ओके। तो क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित तंत्र या निकाय। मैंने क्या कहा, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, वो क्या होगी, एनर्जी और मैटर, ऊर्जा और द्रव्य दोनों के रूप में, क्लियर। अगर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है तो ओपन टाइप का, एक का एक्सचेंज हो सकता है तो क्या होगा बेटा, क्लोज टाइप का, दोनों का ही नहीं हो सकता तो क्या होगा, आइसोलेटेड होगा, विलगित होगा। इसका मतलब क्या, सिस्टम को सराउंडिंग से मतलब ही नहीं है। और ये कब नहीं होगा, जब दोनों में क्या होगा, किसी भी चीज का कोई एक्सचेंज नहीं हो, क्योंकि दोनों में से किसी एक का या दोनों का एक्सचेंज होगा, चाहे एनर्जी का हो चाहे मैटर का हो, तो अगर एक का या दोनों का एक्सचेंज होगा तो सराउंडिंग की वजह से सिस्टम पर इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा। जैसे अभी अपन ने कहा था बेटा, क्या अगर ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर पास होंगे तो वाटर की अमाउंट कम होगी, अगर बाहर से वाटर और अंदर आ रहा बोतल के अंदर तो क्या होगा, इसकी अमाउंट बढ़ेगी। अगर ये क्या कर रहा है, अगर इससे हीट टेम्परेचर क्या होगा, हीट अगर एटमोसफेयर में जा रही है यानी लॉस कर रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, या फिर बाहर से हीट गेन कर रहा है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर हीट यानी एनर्जी और मैटर अगर इन दोनों का एक्सचेंज करता है तो सिस्टम पर इफेक्ट जरूर आएगा बेटा, क्लियर। लेकिन दोनों की वजह से क्या होगा, दोनों का ही अगर एक्सचेंज करता ही नहीं है, न तो मैटर का नहीं एनर्जी का, तो सराउंडिंग की वजह से सिस्टम पर कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब सिस्टम बिल्कुल सराउंडिंग से अलग ही है, सराउंडिंग में कैसी कंडीशन है क्या है, सिस्टम को उससे मतलब नहीं है, पूरा विलगित है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें बेटा, तो अपन क्या कहेंगे, जैसे आइडियल थर्मस फ्लास्क, ठीक है, अच्छे से समझना बेटा, क्या कहा मैंने, आइडियल थर्मस फ्लास्क। एक अपन बोलेंगे बेटा यूनिवर्स, क्या कहा, आइडियल थर्मस फ्लास्क एंड यूनिवर्स, समझना इस बात को बच्चों। देखो आइडियल थर्मस फ्लास्क क्या होता है बेटा, ये तो हमें ध्यान ही है, लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला है, आइडियल, इसका मीनिंग क्या होता है, तो समझना इस बात को। नॉर्मली क्या होगा बेटा, जैसे थर्मस फ्लास्क की अगर अपन बात करें, तो जैसे नॉर्मल हम यूज कैसे करते हैं घर में, जैसे मान लो टी यानी चाय वगैरह दूध वगैरह होता है बेटा, उसके अंदर डाल के छोड़ते, क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, यानी वो जल्दी उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होने देता। देखा होगा बेटा नॉर्मली थर्मस वगैरह में चाय वगैरह डाल के छोड़ देते हैं तो वो काफी लंबे टाइम तक क्या होता है, अरे वो गर्म फील होती नहीं होती, गर्म रहती है बेटा। लेकिन नॉर्मल कंटेनर में अगर डाल के छोड़े तो 2-5 मिनट बाद वो क्या होती है, एकदम ठंडी होती नहीं होती, होती है। इसका मतलब, इसका रीजन क्या है, क्योंकि थर्मस के अंदर आपने क्या वो टी वगैरह
वगैरह जो चाय वगैरह डाली है तो थर्मस की लेयर क्या करेगी, इजीली इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होने देगी। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा जनरल लाइफ का यहाँ अपन और देख सकते हैं। जैसे आजकल एटमोसफियर में क्या देख मार्केट में देखते हैं अपन, क्या कई सारी जैसे बोटल आ रही है, अपन थर्मस फ्लास्क वाली बोटल भी आ रही है बेटा। क्या नॉर्मली अगर अपन देखें नॉर्मल प्लास्टिक बोटल है, इसकी वजह से तो क्या होगा, जो वाटर आपने फील किया है, वाटर फील किया तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी कम या ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जब मान लो कोई थर्मस फ्लास्क वाली बोतल है, इसके अंदर आपने जो वाटर फील किया है उसका टेम्परेचर क्या इसके कंपैरिजन में आसानी से इंक्रीज या डिक्रीज होगा क्या, नहीं, काफी लंबे टाइम तक इसके कंपैरिजन में लंबे टाइम तक ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। डिफरेंस किस चीज का है बेटा, इसकी लेयर का। बात समझ में आई क्या, क्योंकि इसकी जो लेयर है यानी इसके अंदर जो सिस्टम है वो क्या एटमॉस्फेयर से यानी सराउंडिंग से जितना कांटेक्ट कर सकता है, ये लेयर इतना इजीली कांटेक्ट नहीं करने देगी। और जब तक हमें पता है सिस्टम का सराउंडिंग से कांटेक्ट ही नहीं होगा तो उसके टेम्परेचर में चेंज होगा क्या, नहीं। बच्चों आ गया समझ में, तो क्या कहा, थर्मस फ्लास्क वाली बोतल जो होती है या फिर लेयर होती है वो क्या करेगी, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग ही रखती है, आइसोलेट रखती है। इस वजह से सराउंडिंग की वजह से सिस्टम पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। बच्चों बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। लेकिन मैंने क्या बोला, ये कंडीशन 100% पॉसिबल है क्या, नहीं। बच्चों कैसे, थर्मस फ्लास्क वाली बोतल में आपने मान लो गर्म वाटर फिल करके रख दिया बेटा, ठीक है, यानी गर्म पानी रख दिया, वो क्या होगा, पूरी जिंदगी गर्म ही रहेगा क्या, नहीं। हमें पता मैक्सिमम क्या होगा, 5-10 यानी 5-10 घंटे, उसके बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है। बच्चों क्यों, बच्चों देखो यहाँ पर अपने क्या बोला है, आइडियल थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क तो थर्मस फ्लास्क की है। बच्चा कहेगा सर आइडियल ये कौन सा ब्रांड आ गया, ये एक कंडीशन मानी जाती है बेटा। मैं हमेशा कहता हूँ कोई आइडियल होता है क्या, अरे कमी सब में, आप में, मुझ में, शाहरुख खान में भी है। तो थर्मस फ्लास्क एक्चुअल में क्या, आइडियल थर्मस फ्लास्क बोला क्यों है, थर्मस फ्लास्क का काम क्या होता है, उसके अंदर जो सबस्टांस पदार्थ भरा गया है उसका एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट नहीं होने देना, कम से कम होने देना, क्लियर। लेकिन आइडियल क्यों बोला गया, मतलब किसी भी हाल में नहीं होने देना, क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मल थर्मस फ्लास्क की बात करें तो अगर कभी भी कंटेनर में मान लो क्या होगा, यानी कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, जो अंदर आपने मिल्क या फिर टी वगैरह जो भी भरी है वो क्या उसका एटमॉस्फेयर से कभी कॉन्टेक्ट होता ही नहीं, तो क्या होता, अपने दादा दादी जो चाय बना के थे बेटा वो आज तक हम पीते जाते थर्मस में डाल के वो छोड़ जाते हैं कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो आराम से इसे पिएगी। तो अपन क्या होते हैं सुबह से हम वही पीते, नहीं पीते कि मेरे दादा दादी नाना नानी ने चाय बना के गए थे वो, अरे होता नहीं होता, होता बेटा। लेकिन एक्चुअल में 100% ऐसी कंडीशन पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल कंटेनर क्या करेगा, नॉर्मल कंटेनर के अंदर वो टी वगैरह जो भी है, टी है, वाटर है, वो मान लो क्या मैक्सिमम यानी आधा घंटा या एक घंटे में खराब हो जाएगा, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में जो थर्मस फ्लास्क वाली बोतल होती है वो क्या करती है बेटा, उसे 2-3-4-5 घंटे तक मेंटेन रख सकती है। इसका मतलब है हमेशा के लिए मेंटेन रखे ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या इसके कंपैरिजन में लंबे टाइम तक मेंटेन रख सकती है, क्लियर। और ये जो लंबे टाइम तक मेंटेन क्यों रखती है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम का जो सराउंडिंग से एटमोसफियर से कॉन्टेक्ट होगा वो बहुत फास्टली होता है, जबकि इसमें नेग्लिजिबल नगण्य मात्रा में होता है, इस वजह से हम इसे नेग्लिजिबल ही मानते हैं। आ गया समझ में, क्लियर। तो एक पॉइंट जरूर लिखाऊंगा क्या, आइडियल थर्मस फ्लास्क इज एन आइडियल कंडीशन, क्लियर, इज एन आइडियल कंडीशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअली या रियलिटी, क्लियर, यानी एक आदर्श स्थिति है जो वास्तव में संभव नहीं है बेटा। ओके, और क्या कहेंगे, इसमें जो हीट का एक्सचेंज होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। क्यों माना जाता है, समझ में आ गया, एक्सचेंज जीरो तो नहीं होता लेकिन नेग्लिजिबल मानते हैं बेटा, क्योंकि बहुत स्लोली चेंजेस होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्स का यानी ब्रह्मांड का, क्योंकि बच्चों हमें पता है अपन क्या करेंगे, अपन हीट लॉस करते हैं एटमॉस्फेयर में चली गई, एटमॉस्फेयर से अपन हीट गेन करते हैं तो एटमॉस्फेयर से हमारे पास आ गई। लेकिन कहने का मतलब क्या, ये सब जो चेंजेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर यानी यूनिवर्स के अंदर ही तो हो रहा है बेटा। तो यूनिवर्स के जो एक्सचेंज होगा वो सब यूनिवर्स के अंदर ही होगा, लेकिन यूनिवर्स खुद बाहर से किसी से एक्सचेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। बच्चों आ गया समझ में, इसका मतलब जो भी चेंजेस होगा यानी लॉस गेन वगैरह होगा वो यूनिवर्स के अंदर ही होगा, जो जो यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, यूनिवर्स का खुद का किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होता बेटा। तो ध्यान रखना, यूनिवर्स इज एन परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ब्रह्मांड होता है उसको क्या पूर्णतः विलगित तंत्र माना जाता है। आगे समझ में, यस और नो, क्लियर। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके जो एग्जांपल अपने लिखे वो कैसे बच्चों इसमें अप्लाई होते हैं, समझ में आ गया, क्लियर, कोई डाउट लिखो बेटा।
देखो द सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज, द सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज, द सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज ऑफ, द सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग, द सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग, द सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग, लिख लिए हिंदी में लिखो बेटा, वह निकाय जो परिवेश के साथ, वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्य, जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं करता, वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं करता, ठीक है काम खत्म। ये लिखो बेटा आइडियल थर्मस फ्लास्क कॉमा यूनिवर्स, आदर्श थर्मस फ्लास्क व ब्रह्मांड, ठीक है ये दो स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना। क्या मैंने क्या कहा थर्मस फ्लास्क में 100% ऐसा हो ये पॉसिबल है क्या बेटा, नहीं। इसमें जो हीट का एक्सचेंज बहुत स्लो रेट से होता है तो वो नेग्लिजिबल माना जाता है, नगण्य माना जाता है, और ये एक आइडियल कंडीशन है जो 100% पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि 100% पॉसिबल होती तो मैंने क्या कहा दादा दादी के टाइम की चाय हम पीते रहते बेटा, क्लियर। और जो यूनिवर्स है पूरा ब्रह्मांड वो क्या एक परफेक्ट, इसमें कोई मानने वाली कंडीशन नहीं है, ये रियलिटी में होता है बेटा, क्लियर। तो लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट, लिखो इन थर्मस फ्लास्क, इन थर्मस फ्लास्क द एक्सचेंज ऑफ हीट, इन थर्मस फ्लास्क द एक्सचेंज ऑफ हीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, इन थर्मस फ्लास्क द एक्सचेंज ऑफ हीट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एंड दिस इज एन आइडियल कंडीशन, एंड दिस इज एन आइडियल कंडीशन विच इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। हिंदी में लिखो बेटा थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का आदान प्रदान नगण्य माना जाता है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का आदान प्रदान नगण्य माना जाता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नगण्य माना जाता है तथा यह एक आदर्श स्थिति है, 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 यह एक आदर्श स्थिति है जो कि वास्तव में संभव नहीं है, यह एक आदर्श स्थिति है जो कि वास्तव में संभव नहीं है, ठीक है। इसके बारे में लिखो बेटा होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स इज ए परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, होल यूनिवर्स इज ए परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, होल यूनिवर्स इज ए परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, लिख लिए हिंदी में लिखो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड
संपूर्ण ब्रह्मांड एक पूर्णतः विलगित निकाय है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक पूर्णतः विलगित निकाय है। लिख ली बेटा, यस और नो? चलो बेटा, ये अपने बेसिकली हमने बात की बेटा कि इस चैप्टर में हमें बेसिक जो थीम होती है वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना क्या है, और ये जो बार बार वर्ड यूज होंगे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, इनका मीनिंग क्या होता है, फिर सिस्टम भी कौन कौन सा बार बार आएगा, ओपन कौन सा, क्लोज कौन सा, आइसोलेटेड कौन सा, तो इनका मीनिंग हमें ध्यान होना चाहिए, और इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल पूछे वो भी ध्यान होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सटेंसिव जैसे प्रॉपर्टी की बात करें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करिए, फिर स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सब प्रॉपर्टी इनका मीनिंग क्या होता है बाई वन, और इनमें एग्जांपल है कौन कौन से आएंगे, अपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा डिस्कस कैसे करना क्या करना। यहां तक बात समझ में आई? ओके, इसके आगे कंटिन्यू अपन करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।